नमस्कार दोस्तों, नवग्रहों में शनि ग्रह को देव की उपाधि प्राप्त है। शनि देव एक ऐसे देव हैं जो हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। कहते हैं अगर किसी जातक पर शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ जाए तो वो राजा से रंक बन जाता है। ऐसे लोगों का जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। बताते चलें, शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया से बचने के लिए शनिवार का व्रत एक असरदाय उपाय है। ज्योतिषियों के अनुसार जो लोग शनि की साढ़े साथी से परेशान हैं, उनको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे साढ़े साथी के कारण आने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। यही नहीं, शनिवार का व्रत रखने से हमें और भी फायदे होते हैं, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं शनिवार व्रत रखने के फायदे, कथा, नियम व पूजा विधि। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप शनिवार व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से ही आरंभ करें। व्रत करने से पहले शनिदेव की पूजा होती है। बता दें, पूजा में काले तिल, काला वस्त्र, लोहा, तेल आदि अवश्य होता है। इस व्रत को करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए आगे आपको बता दें शनिवार की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था, उसने अपने राज्य में यह घोषणा की कि दूर दूर से सौदागर बाजार में माल बेचने आए, जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसका सामान मैं खरीद लूंगा। इस तरह जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा उस सौदागर के पास जाकर माल खरीद लेते। एक दिन की बात है कि लोहार लोहे की शनिदेव की मूर्ति को कोई खरीदार नहीं मिला। शाम के समय राज कर्मचारी आए और मूर्ति खरीद कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस मूर्ति को अपने पास आदर पूर्वक रख लिया। इस तरह शनिदेव के आ जाने से घर में रहने वाले अनेकानेक देवी देवता राजा से नाराज हो गए। रात के समय एक स्त्री को राजा ने घर से जाते देखा। जब राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे महल में शनि का वास है, अतः मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कुछ दिनों बाद एक राजपुरुष भी घर से बाहर जाते दिखे, तो राजा के पूछने पर पता चला कि वह वैभव हैं। उन्होंने कहा, मैं सदा लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ, तो मेरा यहाँ क्या काम। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसके बाद रात में धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य सभी गुण एक एक कर चले गए। राजा ने किसी से भी रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा सत्य के पैरों पर गिरकर कहने लगे, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राजा का आग्रह सुनकर सत्य रुक गया। सत्य को न आते देख धर्म, धैर्य, वैभव सभी वापस राजा के पास आ गए। इस तरह सभी राजा के यहाँ शनिदेव के साथ रहने लगे। ऐसा ही जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है, लोगों की भलाई सोचता है, शनिदेव ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन से परेशानियां दूर होती हैं और धन वैभव की वर्षा होती है। तो चलिए आगे आपको शनिवार की व्रत विधि बता दें। शनिवार के व्रत वाले दिन सूर्य से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति को नदी या कुएं के पानी से स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, फिर शनिदेव को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर मूर्ति पर काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप व तेल आदि अर्पित करें। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का उच्चारण कर उनसे सभी गलतियों की माफी पर उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करनी चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।